वन वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एरूटी वंस अगेन सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करूंगी जो आप लोगों के बीएससी नर्सिंग या अदर इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम सो so, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दैट ड्राई आइस इज़ ऑप्शन है सॉलिड आइस विदाउट वाटर बेंजोइक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम बोलते हैं ड्राई आइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलेटेड फ्रॉम राइस फील्ड्स इन द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वान्टिटीज राइस फील्ड्स में कौन से ज़्यादा गैस पाई जाती है या कौन सी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वांटिटी में गैस पाई जाती है सो so आपके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू दैट इज़ मीथेन मीथेन यानी सी एच फोर जो गैस होती है ये राइस फील्ड्स में ज़्यादा पाई जाती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज ऑप्शनस हैं एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड सो द करेक्ट ऑप्शन इज थ्री दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है उसे हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं देन फिर है एन एलिमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन है ऑक्सीजन कैल्शियम नाइट्रोजन एंड कार्बन सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर दैट इज़ कार्बन कार्बन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है next question is the chief constituent of gober gas is ethane methane hydrogen carbon dioxide so the correct option is b that is methane methane is the chief constituent of gober gas next question is the reaction which converts sugar solution into alcohol is known as सुगर सॉल्यूशन को जो अल्कोहल में चेंज करे कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं ऑप्शन आर सपोनिफिकेशन हाइड्रोजनेशन फॉर्मेंटेशन या हाइड्रोलिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्मेंटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर एंड क्लोरिन ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी दैट इज़ हाइड्रोजन क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एच इसमें भी हाइड्रोजन है एच इसमें भी हाइड्रोजन है एच इसमें भी हाइड्रोजन है तो ये सारे एसिड्स में जो हाइड्रोजन होता है वो कॉमन होता है कॉमन एलिमेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ यूजफुल इन फोटोग्राफी इनमें से कौन सा सा केमिकल है जो जो फोटोग्राफी में यूजफुल होता है ऑप्शन है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम नाइट्रेट सिल्वर ब्रोमाइड द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये फोटोग्राफी में केमिकल का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया आर कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड अमोनिया और किसके बीच में रिएक्शन के बाद जो यूरिया फर्टिलाइज़र फॉर्म होता है ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवाटेज ऑफ यूजिंग डी डी टी एज पेस्टिसाइड इज डी डी टी को सभी जानते हैं हम एज अ पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो इसका क्या डिसएडवाटेज होता है ऑप्शन है इट बिकम्स इन इफेक्टिव आफ्टर सम टाइम नॉट ईजली डिग्रेड इन नेचर लेस इफेक्टिव देन अदर्स इट्स हाई कॉस्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज़ नॉट ईजली डिग्रेडेड इन नेचर जो डी डी टी होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होता है इसीलिए ये जल्दी डिग्रेड नहीं हो पाता है इसकी वजह से बहुत सारे हमको साइड इफेक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑप्शनस हैं मिथेन ब्यूटेन एंड प्रोपेन मिथेन इथेन एंड हैक्जेन ईथेन हैक्जेन एंड न्योन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उसमें हमारा प्रोपीन होता है प्रोपेन होता है इथीन होता है एंड इथेन होता है सो so ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ये चारों हों सो so हम इसको नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करेंगे दैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज इन फायर एक्सचिंग यूज़र फायर एक्सचिंग यूज़र में कौन से केमिकल्स में यूज़ होते हैं यहाँ पे कुछ केमिकल्स के नियम दिए गए हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सो इसमें करेक्ट कोड आपको बताना है ऑप्शनस में देख के तो इसमें जो फायर एक्सचिंग यूज़र होता है उसमें मेनली दो केमिकल्स पाए जाते हैं दैट इज़ बेकिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करैक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट नैचुरल सब्सटेंस नोन इज जो अभी तक का हार्डेस्ट नैचुरल सब्सटेंस है वो क्या है ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील ग्रेफाइड डायमंड ग्रेनाइड सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायमंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज के ओ एच इज़ द स्ट्रॉग बेस देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कॉन्स्टिटूंट ऑफ नेचुरल गैस सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट दैट इज मीथेन मिथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एन जी इज मेनली कंपोज ऑफ ऑप्शन है ब्यूटेन प्रोपेन इथेन मीथेन सो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो किससे कंपोज होती है मेनली सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज़ मीथेन मीथेन गैस से कम्पोज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है उसमें एक्जैक्टली exactly क्या होता है ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयन ओजोन मिथेन फॉस्फोरस सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज ओजोन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोबन मिथेन एंड आर्गन सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट इज आर्गन आर्गन जो होती है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोन दैट इज डी डी टी इज आ ऑप्शन है बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नॉन पॉल्यूटेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट अभी इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया था डी डी टी से रिलेटेड वहाँ भी मैंने यही बोला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है जिसकी वजह से हमें डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रेडियो एक्टिव डी के ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयन आयन का कौन सा इसमें ओर है आपके ऑप्शन है हेमाटाइड एलुमिनियम बॉक्साइड सिनेवर सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए दैट इज हिमाटाइड हेमाटाइड और मैग्नेटाइड ये दो ओर होते हैं आयन के नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर गोल्ड इज़ फोर्टीन कैरेट ट्वेंटी फोर कैरेट एटीन कैरेट और ट्वेंटी टू कैरेट सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज़ ट्वेंटी फोर कैरेट जो प्योर गोल्ड होता है वो ट्वेंटी फोर कैरेट का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज़ ऑप्शनज आर मरकरी लेड टेन कॉपर सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी दैट इज लेड जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उसमें जो सबसे खतरनाक मेटल पॉल्यूटेंट होता है वो लेड होता है दैट इज़ पी बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंजीन इज Options are gaseous pollutant, liquid pollutant, solid pollutant, all of the above. So the correct option is B that is liquid pollutant. Benzene is liquid pollutant. Hota hai. Next question is. विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑप्शन हैं नाइट्रिक एसिड बोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्जैलिक एसिड जो गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं उनको क्लीनिंग के लिए हम कौन से एसिड का यूज करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड यानी एच एन ओ थ्री का यूज़ करते हैं हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए दे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स एल्कोहल्स कार्बॉक्सलिक एसिड्स ईस्टर्स एल डी हाइड्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज कार्बॉक्सलिक एसिड कार्बॉक्सलिक एसिड्स का हम लीज यानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एसिड रेन ऑप्शनस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाईऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सल्फर डाई ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी यानी फोर्थ ऑप्शन इस कर है कि दो मेन गैसेज होती हैं जो एसिड रेन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन uh, समझ में आए होंगे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पुछे जाते हैं जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोट फर्ग टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो प्रेस द बेलाइकन फॉर मोर सच अपडेट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो It's the new wave. Turn it up. I'm in the backseat chillin' with your girl. What's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm tryna dance all night. I got something to do. I make hits for the people at home in the rooms. Lookin' for a reason to get out of it soon. Found me on the internet, just makin' some moves. Now I'm goin' up, CNN on the news. She gonna shake, shake, shake like a bottle she popped at. I'm off that.